भाइयों बहनों, जय जय सीता राम, जय जय सीता राम। हेलो भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। भाइयों बहनों, काफी दिनों से मैं श्री रामचरितमानस के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा था। कभी सोचता था आज करूंगा, कल करूंगा, ऐसे करते काफी दिन हो गए थे, लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि आज आपके साथ इस विषय में मैं आपसे बात करूंगा। मैंने भाई परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री बाबा तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस का लेखन किया है, रचना की है, मैंने अनुमान अपने जीवन में लगाया है कि ये बाबा तुलसीदास जी ने नहीं, बल्कि वो तो केवल ध्यानिष्ठ होकर बैठे थे लिखने के लिए, उसी पर गणेश भगवान जी उनके हाथ पे आ गए, भैया जी और सरस्वती माता उनको बोलती गई। देखिए, आप अगर अब देखेंगे, चयन करेंगे, तो जो लेखन है, जो रचना है, उसमें शब्दों का जो निरूपण है, शब्दों का जो आचरण है, जो व्याकरण की शुद्धता है, और जो शब्दों का चयन है ना, वो आम आदमी की बात पहुंच से बाहर है। और ऐसी रचना तभी तो इसको पांचवा हमारे वेद के रूप में इसको संज्ञा दी जा रही है। बहन अब बोलिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसके पढ़ने के बाद आज जो हमारा संस्कार है, थोड़े बहुत जो संस्कार रह गए हैं, हमारा संस्कृति जो रह गई है, वो केवल दो ही है हमारे, श्री रामचरितमानस और गीता। अगर ये हमारे पास नहीं होते तो हम अब तक या तो बुद्ध बने होते और या फिर हम जो है सुन्नत हमारी हो गई होती। भाइयों बहनों, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि जो अपने जीवन में जो अध्ययन किया है, इसको पढ़ने के बाद लौकिक और पारलौकिक आपको सुख इसमें मिल सकते हैं, और वो कैसे मिल सकते हैं, मैं इसी बात की चर्चा करने के लिए काफी दिन से विचार कर रहा था। अब आप में सबसे पहले मैं आपको लौकिक आपके इसके बताता हूं, जो मेरे जैसे भाई हैं, बुजुर्गवंद हैं, या जो 40 के पास कर गए हैं, उनके जो बच्चे हैं अभी छोटे छोटे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, मेरे से उनसे निवेदन है कि एक शब्द अगर आप 24 घंटे में, आध घंटे उनको दे दीजिए, बस उनके साथ बैठिए, आपको व्याकरण में शुद्धता उनको मिलेगी। देखिए, अंग्रेजी में 26, हमारी हिंदी भाषा में 52, वैसे उसको 56 भी उनको बोल देते हैं कि 56 है इसमें, लेकिन एक्चुअली में है वो 52 शब्दों का, इसमें जो मोस्टली यूज होता है वो 52 शब्दों का ही होता है। आप कहेंगे इससे क्या हो जाएगा, उसका कारण है कि जब हम पढ़ेंगे तो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो आचरण है, वो धीरे धीरे कम होंगे। अभी नहीं, देखिए इसमें तो लगेगा लंबा टाइम, आप इसको धीरे 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 आप करेंगे तभी हो पाएंगे। जैसे प्रातः काल उठ कहीं रघुनाथा, मातु पिता गुर नावहि माथा, ये हमारा है ना संस्कृति, ये हमारे आचरण है ना कि सबसे पहले उठने के बाद अपने बुजुर्गों को सम्मान दिया जाए। आज कहाँ दिया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी सब कुछ भाषा छोड़ के अंग्रेजी आप पढ़ाइए, लेकिन हमसे संस्कार हमने जो देने हैं वो हमने देने जरूरी हैं। व्याकरण में आपको विलोम शब्द चाहिए, पर्यायवाची शब्द चाहिए, रस चाहिए, अलंकार चाहिए, संध विच्छिन्न चाहिए, वो सब इसको मिलेंगे आपको। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप अपने जो पोते हैं, जो 40 और 50 साल के बीच के हैं, वो अपने बच्चियों को लेकर केवल उसमें कोई वो आचरण नहीं करना कि हाथ पैर धो लो, ये कर लो, या गंगा जल छड़क लो, इसके बाद ना, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो ऐसे भी मंत्र हैं कि आप बिना नहाए भी सब कुछ काम अपना, पूजा पाठ का भी विधान है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन करूंगा, अच्छा आप पर्यायवाची शब्द ढूंढना चाहें, बांध्यो वननिध नीरनिध जलद सिंधु बारिश, पांच हो गए कि नहीं हो गए जी साहब, आप पर्यायवाची ढूंढने की कहीं जरूरत ही नहीं है। उदित तो उदय गिर मंच पर रघुवर भाल पतंग, आप बताइए साहब, रूपलंग अलंकार हो गया जी, रस छंद जो आप जो भी आपने ढूंढना चाहेंगे, लेकिन हाँ बैठना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, समझाना आपको पड़ेंगे, लयबद्ध के साथ कोई भी आप ले लीजिए, चाहे अंग्रेजी की है, चाहे वो किसी और की भी है, आप उसको लयबद्ध करके बच्चों, देखिए आप बच्चों को बैठा धीरे धीरे, कोई भी मैं सही आप सही,
जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे महीने दो महीने के बाद लयबद्ध जब कोई भी चौपाई आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ बच्चों में अब ये जागरूकता आ रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इनके लिए, बच्चों के लिए व्याकरण शुद्ध कराना है, हिंदी शुद्ध करानी है, आप अंग्रेजी पढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं, उर्दू पढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं, फारसी पढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं है, जापनी जैपनी पढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृत अपनी भाषा इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है। ये हो गए आपके, आपको कहीं जाने की लौकिक, आप पारलौकिक सुख पहुंचे। स्वांता स्वा रघुनाथ गाता, स्वयं प्रातस्मरणी श्री बाबा तुलसीदास ने लिख लिया कि मैं अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, इसलिए मेरी एज के बंदे हैं, थोड़े से मेरे से कम हैं या मेरे से दो से बड़े, अब हमारे पास समय नहीं है कि हम जो हैं, इसलिए एक नाम राम से ही सब कर जाते हैं। तो राम का अच्छा, हम अब हम अपने जो बुजुर्गों को बता रहा हूं कि हम जब बैठते हैं सत्संग में तो आधी रामायण को जो सीता हरण में ही खत्म कर देते हैं। भाई के प्रति भाई का प्यार, पत्नी का पति के प्यार, पत्नी पति का पति के प्यार, जो प्रेम है उसको कितना कष्ट उठाए उस पर कोई चरना करती है, स्वयं ग्रेसलीन डालकर रोते हैं और जो भक्त बैठे हैं उनको अपने आंसू निकालवाते हैं। हमें वो बात बतानी चाहिए जो हमारी संस्कृत में सबसे ज्यादा है। अब आप जो मेरी एज की हैं उनको थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा, आप बैठ जाइए, बैठने के बाद अपने ध्यान, अगर आपने ध्यान से पढ़ेंगे आप तो आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। पहले सबसे पहले आभान कर लीजिए अच्छा पढ़ने के लिए। अब देखिए दोहा है, दोहा में 13 और 11 ये जो मात्राओं का है ना, अब हम जैसे जो बंदे हैं ना, अब मात्राओं ए अब आधी हो गई, ये पूरी मात्रा हो गई, वो नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे चौपाई है 16 16 16 करके होते हैं, उसमें भी नहीं पढ़ पाएंगे। शुरुता में उसमें 11 है, उसमें 13 है, जो मात्राओं का है चरण है ये हम नहीं कर पाएंगे। अब हमने क्या करना है कि धीरे धीरे मैं इसी बात पर लेकर चलूंगा और आपको मैं रामायण के रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं और जो है उनको कैसे पढ़ाया बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने करना क्या है। हमने सभी जो हमारे हैं उनको आह्वान करना है, जितने भी हमारे हैं जो उलझे हुए हैं उनको आह्वान करने के बाद फिर अपना रामचरितमानस का हमने शुरुआत करनी है। जैसे श्री गणेश आयनवा, वाल्मीकि आयनवा, तुलसीदास आयनवा, गौरीपति नवा, हनुमंत तीनवा, सीतापति नवा, दशदाय नवा, कौशल्याय नवा, सुमित्र नवा, केकई नवा, ओम सपत्निका भरताय नवा, ओम सपत्निका लक्ष्मणाय, सपत्निका सुमन ब्राह्मणे नवा, भूले विशेष रूपणा, ऐसे करके सबसे पहले तो हमारा जो है आह्वान जो मंत्र है ये बहुत जरूरी है। इस मंत्र को करने के बाद अब हमने रामचरितमानस का अध्ययन करना है। आप ऐसे धीरे धीरे आप करेंगे, धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे तो अच्छा। आगे के मैं एपिसोड में जो आपको बताऊंगा कि रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां कैसे पढ़ा जाए, उनमें कैसे लयबद्ध किया जाए, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में राधे राधे, जय श्री राधे।